12 बजे उन्हें उतरा। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आएगी, आई थी उसी जाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारे हीन धोती, सनसे सफेद वालों के सिरों पर संग टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पर पेट छुए। दादी अम्मा इनके गांव में वैद्य का काम करती थी, इसलिए वो लेखक का शरीर देखती है कि उन्हें कितना फीवर आया हुआ है। वो सर पर देखती है, पेट को छूती है, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चार पाई के पास बैठी रही। कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। वो लेखक की सेवा करती है, पंखा चलाती है, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती है। उन्हें फीवर आया था तो पानी में अपना रुमाल भिगो के सर पे लगाती है, हाथ पर लगाती है, सर पर दालचीनी का लेप करती है और बीसों बार छू छू कर जबर का अनुमान करती है, उताव का अनुमान लगाती है कि उतरता है या नहीं उतरता। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया है, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती है। दादी माँ की गवई गांव की 50 किस्म की दवाएं के नाम याद हैं। दादी अम्मा वैद्य का काम करती थी, उन्हें 50 किस्म की दवाओं के नाम आते थे। गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसुचिक्का के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिक्स जलदार गूगल और धूप करती। वो पानी में गुड़ मिलाकर मिक्स का उकाला बनाती, गूगल और धूप का वो धूप लगाती। सफाई कोई उनसे सीख ले, सफाई में एकदम चकासे से करती। दवा में देर होती, मिर्ची या शहद खत्म हो गया, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल ही हो जाती। वो मिश्रण करने में शहद यानी कि हनी का यूज हो जा खत्म हो गया हो, चादर नहीं कोई बदलता, गिलाफ नहीं बदलते तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सफाई में बहुत प्यारी थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और उन्हें मिक्सचर की सीसी की तितोई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाली नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम से उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास में कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धनो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म ही नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती
फ्री, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी कब, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेंगी। ये चाची है, वो दादी अम्मा के पास आई है, दादी माँ उसे डांट रही है कि जब वो सूत पैसे लेने के लिए आई थी तब वो कैसे आई थी नाक रगड़ती हुई, और अब जब उन्हें सूद के पैसे लेने के हैं तब वो कैसे आई है। इसका पिक्चर यहाँ दिखाई दिया है। कहती है काकी, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल कपड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप न क्या दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। वो कहती है, आज बेटी की शादी है, जो आप दया नहीं करोगे तो ये कैसे निकाह होगा। हट हट, अभी नह होके आ रही हूँ, मैं अभी नह के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दीदी दे देगी कभी। वो कहते हैं, लेखक अब बोलते दादी को, दे देगी दादी, क्यों आप उसे डांट रहे हो, प्रसंग हमारा अप्रिय मत करो। इसलिए मैंने दादी को ऐसे समझाया। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम सा भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पुतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए ली, हसाई न हो, देवता है बेटा। कहती है कि वो दादी सामने से आई और उन्होंने मेरे सभी रुपये छोड़ दिए और मुझे ऊपर से 10 रुपये की नोट दी, और वो कहते हैं जैसे वो तेरी बेटी है वैसे वो मेरी भी है। वो कहते हैं वो तो भगवान है, वो दादी अम्मा का कौन सा रूप है, भगवान देवता का रूप है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा कि उस दिन तो जब हमारी शादी में आप मेरे भैया की शादी में आए थे तब तो दादी अम्मा आपको बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांट भी तो लाभ क्या, जो कहते हैं रुपया देकर डांट भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाई जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। इसमें अब शादी होने वाली है किशन भैया की, तब जो जेंट्स होते हैं वो औरतों के कपड़े पहन के सब नाटक करते हैं। उनकी शादी से लेके जब उनका बच्चा आने वाला होता है, पुत्र प्राप्ति तक के सब फनी रमूजी जैसे पात्र बनाते हैं। औरतें बनते हैं, सब जेंट्स होते हैं वो। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं भेद खुल जाएगा, निकाल बाहर किया जाऊंगा,
पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी, इसे मुझे पांडा फोड़ दिया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दू। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वास्तव किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब वह दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। दादी अम्मा की वो जाके छुप जाता है क्योंकि उन्हें बचाव मिल गया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वास्तव्य पात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही बहुत उदार रहती थी। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे बेचकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाली मूस में राम बगल में छुरी वाले दोस्त भी शुभचिंतक की स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यर्थ की, वह घर की तो नहीं थी। अब यहाँ पे घर का वास्तविक चित्र दिया गया है। यहाँ पे लेखक का घर दादाजी की मृत्यु के पहले बहुत ही अच्छा था, पर दादाजी की मृत्यु के बाद घर की परिस्थिति बदल जाती है। पिताजी के दोस्त जो थे, उनकी संगत की वजह से घर के जब पैसा था वो खत्म हो गया था। दादाजी मर जाते हैं, तभी नक्रियाक्रम उनका श्राद्ध करने के लिए दादी ना बोलती है, पर पिताजी श्राद्ध करवाते हैं। पर वो श्राद्ध घर के पैसों से नहीं बल्कि किरायों के पैसों से करते हैं। वो भी संपत्ति वो नष्ट कर देते हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती है। मात के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीतल हड्डियों में भूसी पड़ी। शाम की मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने काने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंख खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्वक आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछा। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल, धोती तो बदल दो, दादी माँ ने कहा। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपार पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पैसे लेन देन का धंधा करता है, कोई ने वापस पैसा देता नहीं है, इसलिए वो चिंतित है। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हुई। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया।
मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह अनेक वर्ष की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच देते थे बेटा। वो कहते थे कि तेरे दादाजी ने किशन की शादी के लिए ही शायद ये मुझे दिए होंगे। मैंने कभी भी ये पहना नहीं है, इसलिए आप ये रख लो। पहले के जो थे लोग, वो आगे वाले दिनों की भी चीजें सोच समझ कर रखते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी धिनौनी काली पांखों फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठा गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चिट्ठियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब चिट्ठी आई है कि दादी माँ चली गई है, दादी माँ का देहांत हो गया है। खिड़की के ऊपर काले पंखों वाला कौवा आकर बैठता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये चित्र जो दिया गया है वो दादी अम्मा का है। पर दादी अम्मा का नहीं, गुजर जाने का जो पत्र आता है वो उन्हें याद दिलाता है बचपन की। शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं। शब्दार्थ, कठिनाई, इसका अर्थ है मुश्किल। अनमना, उसका मीनिंग है बेचैन। शुभचिंतक, हितैषी। प्रतिकूलता, विपरीत स्थिति। शरद, जाड़े की ऋतु। शीत, ठंड। धुंधली, अस्पष्ट। विचित्र, अजीब। अफसोस, पछतावा। हुड़क, तलब, चाहत। ज्वर, बुखार। सन, झूठ। लेप, मरहम। विसुचिक्का, छूत की बीमारी। तिताई, तीखापन। उरिन, ऋण से मुक्त। संदूक, बक्सा। सहेज कर, संभाल कर। प्रश्न अभ्यास, कहानी से फर्स्ट। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है? उसका उत्तर है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ गांव, घर और परिवार की अनेक बातें याद आती है। उनमें से कुछ निम्नलिखित है। एक, कवार के दिनों में जलाशय के जागदार पानी में कूदकर नहाना। सेकंड है, आषाढ़ में आम जामुन, अगहन में चुड़ाना, गुड़ चेत में लाई तथा गुड़ की पट्टी खाना। थ्री, बीमार होने पर दादी माँ की स्नेहपूर्ण देखभाल। फोर, किशन भैया की शादी में औरतों का अभिनय चोरी से देखना। फाइव, दादी माँ द्वारा धनों को कर्ज से लिए डांटना, फिर कर्ज माफ कर देना। सिक्स, मुसीबत के दिनों में पिताजी को सांत्वना देना। सेकंड क्वेश्चन, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? इसका आंसर है, इसका उत्तर, दादाजी की मृत्यु के बाद कपटी दोस्तों की बाढ़ सी आ गई। उनकी बनावटी शुभचिंता को घर के लोग समझ नहीं सके।
नतीजा यह हुआ कि घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई। दादाजी के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिता ने अतुल धनराशि व्यय की। यह धनराशि घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। अनुभवहीनता के कारण हुई इन गलतियों से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। क्वेश्चन 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? अब हम पाठ में पढ़ चुके हैं। आगे दादी माँ का स्वभाव आपको कौन से पक्ष से अच्छा लगता है? डांटने वाला, सबकी सेवा करने वाला, वो हमें लिखना है। इसका आंसर है दादी माँ स्वाभाविक रूप से स्नेह, ममता तथा त्याग की मूर्ति थी। वे भावुक तथा कोमल स्वभाव वाली थी, पर मुझे उनके स्वभाव का सबसे अच्छा पक्ष दूसरों की मदद करना लगता है। समय असमय वे पैसे देकर दूसरों की मदद करती, पैसे वापस न मिलने पर डांटती, पर दयावश उसका कर्ज माफ करने पुनः उसकी मदद पर दिया करती। अब नया क्वेश्चन, कहानी से आगे। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। हमें कभी देखा नहीं है कवार में क्या आता है, आषाढ़ महीने में क्या आता है, माघ महीने में। तो चलो हम आप देखते हैं। कवार महीने, चौमासे का यह अंतिम महीना होता है जिसमें वर्षा बहुत कम होती है, आसमान स्वच्छ होता है, गर्मी की तपन कम हो चुकी होती है, पोखर तथा तालाब और धान के खेतों में पानी भरा हुआ होता है। आषाढ़ महीना, चौमासे का यह पहला महीना है। इस मास में गर्मी अपने चरम पर होती है। इस महीने में वर्षा का आरंभ होने से गर्मी से राहत मिलती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। अब माघ महीना, इस महीने में सर्दी अपने चरम पर होती है। कभी कभी तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है और पाता पड़ जाता है। ऐसे में सर्दी और भी बढ़ जाती है। पछुआ हवा इस सर्दी को और भी बढ़ा देती है। सेकंड क्वेश्चन, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप में मिलती है। अब इसका आंसर, गर्मी का मौसम। अब गर्मी के मौसम में हमें क्या क्या फल और सब्जी मिलती है? तो आम, लीची, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। लोग ठंडे पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। सब्जियों में आलू, भिंडी, कटहल आदि मुख्य होते हैं। अब सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में सेब, केला, अमरूद आदि फल तथा मटर, फूलगोभी, बंद गोभी, पालक, बथुआ, मूली आदि सब्जियों पाई जाती है। लोग चाय तथा कॉफी पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दियों में चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में कई फल तथा सब्जियां उपलब्ध रहती है। इनके अतिरिक्त बैंगन, करेले, फलिया आदि बहुयात में मिलती है। बच्चों, आपको ये शब्दार्थ
और प्रश्न अभ्यास सब आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको लिखना है।